हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने एक पिज़्ज़ा शॉप की प्रोजेक्ट बनाना है सी शार्प में यूजिंग विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो हमने ये ऑर्डर बनाना है। ऑर्डर के लिए हमने तीन रेडियो बटन्स डालने हैं, डाइन इन, होम डिलीवरी, पार्सल। ठीक है, फ्लेवर का एक हमने कॉम्बो बॉक्स लगाया हुआ है, इसको जो बोलते हैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, और इसकी भी हमने एक दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, स्मॉल का साइज़ का हमने तीन रेडियो बटन्स लगाए हैं, ये लगाएंगे। एक्स्ट्रास का हमने बनाया है, एक्स्ट्रास के लिए चीज़, मशरूम्स। ठीक है, और क्वांटिटी के लिए हमने ये न्यूमेरिक अप डाउन लगाया हुआ है। ठीक है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। और एक बटन बनाया वो ऑर्डर के लिए। तो मेरे पास एक कंप्लीट पिज़्ज़ा शॉप की प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, इसको हमने आगे, और जब हम ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, ऑर्डर पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये ऑर्डर भी बना हुआ आ जाएगा मैसेज बॉक्स में। ठीक है, वाटर टाइप वन, फ्लेवर, मशरूम्स। तो ये बैक एंड पे जो थोड़ी सी कोडिंग है वो भी हम करेंगे, और ये लेआउट भी बनाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो अपना अब हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टॉप पे फाइल का ऑप्शन है, फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, न्यू पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे उसी पे काम करेंगे। तो यहाँ से प्रोजेक्ट पर क्लिक करें, प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने विजुअल सी शार्प पर क्लिक कर देना है इधर। ठीक है, और यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, इस पर क्लिक रहने देना है। और यहाँ से अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं, तो हमने बनाना है पिज़्ज़ा शॉप का, तो हम पिज़्ज़ा शॉप ही नाम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से ओके कर दें। अगर आपने लोकेशन चेंज करनी है जहाँ पर प्रोजेक्ट सेव होगा, तो आप यहाँ से लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं ब्राउज पर क्लिक करके। ओके कर दें, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है पिज़्ज़ा शॉप का, और ये हमारे पास फॉर्म बन गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं फॉर्म को। ठीक है, हम पिज़्ज़ा शॉप का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो पिज़्ज़ा शॉप में जब हम जाते हैं तो पहली चीज़ क्या होती है कि ऑर्डर वो पूछते हैं डाइन इन यहीं पर खाना है, डाइन इन करना है, या फिर डिलीवरी होम डिलीवरी है, या फिर क्या है अपना पार्सल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले लिखें लेबल, लेबल पे एक ही दफ़ा क्लिक करके रखने। ठीक है, एक दफ़ा क्लिक करके रखेंगे अभी इस पर एक ही दफ़ा, और यहाँ पर आ जाएं इधर नीचे, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास होती है इसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट के नाम से, टेक्स्ट के नाम से प्रॉपर्टी है, लेबल वन लिखा हुआ है, इसको कट कर दें। और यहाँ से फिर हमने इसका नाम रख देना है लेबल ऑर्डर का, ऑर्डर, ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए, ये देखिए ये चेंज हो गया ऑर्डर। अब ऑर्डर हमने किस किस टाइप का होता है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, जब हमारे पास होते हैं ना ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो तब हम क्या करते हैं कम्बो बॉक्स लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कम ऑप्शन है, तीन ऑप्शंस है, डाइन इन, होम डिलीवरी, या फिर पार्सल। ठीक है, तो तीन ऑप्शन है हमारे पास, हम तीन ऑप्शन हैं तो सिर्फ हम उसके लिए रेडियो बटन्स ही लगा देते हैं, क्योंकि हमें एक टाइम में एक ही सिलेक्ट करना है, इसी वजह से हम रेडियो बटन्स लगा देते हैं। यहाँ पे टूल्स में जाके हमने यहाँ पे रेडियो लिखा, ये नीचे ऑप्शन आ गया, इस पर एक दफ़ा क्लिक करें, और इधर आके हम क्या कर लेंगे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस पर एक दफ़ा क्लिक रहने दें, कंट्रोल सी करें, ये कॉपी हो जाएगा, दो दफ़ा आपने इसे कंट्रोल वी कर दें। ठीक है, ताकि दो बटन्स और भी आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो इन बटन्स के नाम चेंज करने हैं, एक रेडियो बटन वन पे एक दफ़ा क्लिक करें, और यहाँ से अब टेक्स्ट पे आ जाएं इसकी प्रॉपर्टी पे, यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर देते हैं डाइन इन। ठीक है, दूसरे का हमने क्या रखना है, होम डिलीवरी। ठीक है, तीसरे का हम रख देते हैं कि पार्सल। तीसरे बटन पे एक दफ़ा क्लिक करें, तीसरे बटन पे एक दफ़ा क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएं आप टेक्स्ट पे, इसकी प्रॉपर्टी हम चेंज कर देते हैं पार्सल। ठीक है, पार्सल हो गया। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, जब वो हमारे से शॉप वाले ऑर्डर का पूछ लेते हैं, आपने डाइन इन करना है, होम डिलीवरी करनी है, या फिर पार्सल लेना है, तो उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने फ्लेवर पिज़्ज़ा का फ्लेवर कौन सा हो। फ्लेवर, फ्लेवर का हम यहाँ से फिर एक लेबल लगाते हैं, लेबल लगाएंगे, लेबल पर एक दफ़ा क्लिक करें, तो इस पर एक दफ़ा क्लिक रहने दें, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा फ्लेवर, फ्लेवर। ठीक है, इसको भी हमने लिख दिया कैपिटल। ठीक
ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल। अब नीचे इसके भी तीन ऑप्शन, इसके अब देखिए फ्लेवर जो होते हैं वो ज़्यादा कम होते रहते हैं, सीज़न चेंज हो जाता है, जैसे अब कोई नया फ्लेवर आ गया तो वो भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसके लिए लगा लेते हैं कॉम्बो बॉक्स, जिसमें हम और ऐड भी कर सकते हैं, और जो हमारे पास जिस किसी फ्लेवर को हमने कैंसिल करना है, डिलीट करना है, तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टूल बार में आ जाएं, यहाँ पर आप लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स पे एक दफ़ा क्लिक करें, और यहाँ पर आके हमने क्या करना है कि ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ड्रॉ कर देंगे, कॉम्बो बॉक्स पे एक दफ़ा क्लिक रहने दें, एक ही दफ़ा क्लिक करके रखें, और यहाँ पर आ जाएं प्रॉपर्टीज़ में। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी होती है आइटम्स के नाम से, ये ए से जी, ए जी जो लिखा हुआ है ना, इस पे आपने क्लिक करना है, और नीचे फिर प्रॉपर्टीज़ में देखना है आई वाले फॉन्ट में। ठीक है, आइटम्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये थ्री डॉट्स बने हुए हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट इसके ऑप्शंस एंटर करेंगे, डिफरेंट फ्लेवर्स एंटर करेंगे, तो वो क्या बनेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास बनी हुई आ जाएगी कॉम्बो बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चिकन टिक्का लिख दिया, और क्या होता है फजीता, मुल्तान एक्सट्रीम के नाम से भी होता है एक, और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के फ्लेवर्स होते हैं, जितने भी आप इसमें डाल सकते हैं, ये लिस्ट आप ऐसे एंटर करते जाएंगे, लिस्ट बनाते जाएं, और यहाँ से हमने क्या करना है, ओके कर दें, इस पर हम कर देते हैं ओके। ओके करेंगे, अब देखें इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं, रन करेंगे, यहाँ से ऊपर आ जाएं, हम स्टार्ट पे क्लिक करें। हाँ जी, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। तो यहाँ पर देखें, ऑर्डर हमने किया था डाइन इन है, होम डिलीवरी है, या फिर पार्सल है, इन तीनों पे। और ये हमने जो कॉम्बो बॉक्स लगाया है, इसको चेक कर लेते हैं, ये जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखिए वो जो हमने ऑप्शंस लिखे थे वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ गए, चिकन टिक्का, फजीता, मशरूम, वेजी पिज्ज़ा, मुल्तान एक्सट्रीम। ठीक है, तो इसको कर दें कैंसिल, और यहाँ पर अब दोबारा आ जाएं। तो अब ये कॉम्बो बॉक्स में आपको एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ। अब कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है कि यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं ना, इसको कॉम्बो बॉक्स पे एक ही दफ़ा क्लिक रहने दें, एक दफ़ा क्लिक करें और इधर प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी होती है ड्रॉप डाउन स्टाइल के नाम से, ड्रॉप डाउन स्टाइल के नाम से प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इस पर क्लिक करें, और इसका ये जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करें। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, सिंपल, ड्रॉप डाउन लिस्ट। सिंपल पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, सिंपल पे हमने क्लिक किया, अब वहाँ पे देखें ये जो हमारे पास एरो बना हुआ था पहले कॉम्बो बॉक्स का, यहाँ पर वो ख़त्म हो गया, ये अब खाली क्या हो गया, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स हो गया, इसमें हम सिर्फ एंटर कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन करेंगे, ड्रॉप डाउन में क्या आता है, इसके डबल फीचर होता है, इसमें आप टाइप भी कर सकते हो और नीचे लिस्ट भी व्यू कर सकते हो। देखें ड्रॉप डाउन है अब हमारे पास, इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया, अब देखें यहाँ पर हम टाइप भी कर सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन भी हैं। ठीक है, जबकि अब अगर हमारे पास, हम अगर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ड्रॉप डाउन के बजाय सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्योंकि हमने यूज़र से तो एंटर करवाना नहीं है, सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हमारे पास अवेलेबल होंगे वही लिस्ट में होंगे, उन्हीं को बस सेलेक्ट कर लेना। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को ही हम सेलेक्ट रहने देंगे, और अब यहाँ पर आ जाएँ तो इसको हम स्टार्ट करके अब चेक कर लेते हैं। अब देखें ये फ्लेवर में देखें यहाँ पर एंटर कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको, अब सिर्फ ये लिस्ट वाला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या होती है, वो हमारे से ऑर्डर हमने दे दिया, फ्लेवर हमने बता दिया, अब नेक्स्ट हमारे पास हमारे से वो पूछेगा कि साइज़ क्या हो, पिज़्ज़ा कौन से साइज़ का लेना है, स्मॉल लेना है, मीडियम लेना है, लार्ज लेना है। तो हमारे पास तीन ही साइज़ होते हैं, तीन साइज़ होते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या कर देते हैं, कॉम्बो बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसके रेडियो बटन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाए टूल बार में, टूल बार में पहले हम लेबल लगा लेते हैं, लेबल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर दें, एक दफ़ा क्लिक रहने दें, इसका नाम चेंज कर लेते हैं साइज के नाम से। ठीक है, साइज के नाम से ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमने क्या करना है, रेडियो बटन्स लगाने हैं, तो टूल बॉक्स में फिर इधर आ जाएं, और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, रेडियो रेडियो बटन्स को सेलेक्ट करेंगे। अब रेडियो बटन्स में हमारे पास एक इशू आएगा, जब वो हमारे पास आगे, अभी हम जब इसको रन करेंगे ना आगे, तब मैं वो आपको बताऊंगा, तभी हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रेडियो बटन्स को ड्रॉ कर लेते हैं, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें, कंट्रोल सी करें, तीन बटन्स चाहिए स्मॉल, मीडियम और लार्ज के लिए, तो एक दफ़ा कॉपी कर लिए, दो दफ़ा इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लें। ठीक है, या फिर आप राइट क्लिक करके कर लें, जैसे भी ये कॉपी करके फिर नेक्स्ट इधर ही पेस्ट कर दें। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आगे है, इन तीनों का ज़रा सेलेक्ट करें, और ये इसके ज़रा स्टाइल सही बन जाएगा, ऊपर लें। ठीक है, अब तीनों के आप नाम चेंज कर दें, यहाँ पे रेडियो बटन फोर पे एक दफ़ा क्लिक रहने दें, और यहाँ पर आ जाएं इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में नीचे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं स्मॉल, ठीक है, रेडियो बटन फाइव पे क्लिक करें, इसकी भी
टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके चेंज करें मीडियम। नेक्स्ट पे हमने क्या रखना है, नेक्स्ट पे हमें रखना है लार्ज। ठीक हो गया, अब ये तीन चीज़ें होगी, इसको हम रन कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने रन किया तो ये देखें कि अब हमारे पास डाइन इन ऑर्डर हमने सेलेक्ट किया, होम डिलीवरी, पार्सल, फ्लेवर पे क्लिक किया तो हमारे पास ये कॉम्बो बॉक्स में नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, मशरूम्स हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जब हम साइज़ पर क्लिक करते हैं स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है ये तो हो रहा है। अब ये देखें कि हमारे पास क्या हो रहा है कि पार्सल पे क्लिक किया हुआ था हमने तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया मीडियम, मीडियम पे क्लिक किया तो पार्सल ख़त्म हो गया। ये तो नहीं होना चाहिए ना कि अब हम ये बता रहे हैं ऑर्डर नहीं करना, कोई डाइन इन भी नहीं करना, हमने होम डिलीवरी भी नहीं करनी, पार्सल भी नहीं करना, सिर्फ हमें मीडियम पिज़्ज़ा हो, फ्लेवर हमारा मशरूम हो। ठीक है, तो इसके हमारे पास एक हल है, इसके लिए हम क्या करते हैं इसको पहले क्लोज करें, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। टूल बॉक्स पे जाएं, यहाँ से अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें ग्रुप। ठीक है, ग्रुप बॉक्स, ग्रुप बॉक्स की टूल होगा यहाँ पे, इस पर एक दफ़ा क्लिक करें और इसको यहाँ पे क्या करें ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब ग्रुप बॉक्स एक दफ़ा क्लिक रहने दें, इस पर डबल क्लिक नहीं करना किसी भी चीज़ पे। ठीक है, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ से चेंज करें, पहले हमारे पास तीन ऑप्शंस क्या थे, ऑर्डर, यहाँ पे अब ग्रुप बॉक्स का नाम, ग्रुप बॉक्स वन का नाम दे दे रहे हैं हमने ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है, अब इस पे एक ये देखें, ये ग्रुप का नाम क्या हो गया, ऑर्डर। ठीक हो गया, अब ये जो है इन तीनों को आप इस तरह सिलेक्ट करें तीनों को, और इसके अंदर आके हमने क्या कर देना, पेस्ट कर देना। ठीक हो गया, अब इस पे एक दफ़ा क्लिक करें, इसको ज़रा रीसाइज कर लें ग्रुप बॉक्स को, हम क्या करते हैं कि इसको जो है हमने कर देना डिलीट, ये जो ऑर्डर वाले जो हमने ऊपर लेबल लगाया था। ठीक है, अब ये जो हमने ग्रुप बनाया है ऑर्डर नाम का ग्रुप बॉक्स, इसको उठाएं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से इसमें इसको उठाया और इसको यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ऊपर रख दिया। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट हमारे पास ये साइज़ का भी हम इसी तरह ग्रुप ही बना लेते हैं, तो यहाँ से फिर दोबारा टूल बॉक्स में जाएं, ग्रुप बॉक्स यहाँ पहले ओपन होगा, तो ये ग्रुप बॉक्स को एक और ग्रुप बॉक्स हमने ड्रॉ कर लिया, ग्रुप बॉक्स का नाम चेंज कर लेते हैं, दूसरे का नाम हमने क्या रखना है साइज़। ठीक है, ओहो एक मिनट, इस पर हमने क्लिक किया हुआ था और यहाँ से हमने इस पर कॉल लगा दिया। ठीक है, इसका नाम हो गया साइज़। अब हम इसके अंदर ये वाले तीनों लेके आने हैं रेडियो बटन, इन तीनों को इस तरह सेलेक्ट करें इकट्ठा ही। ठीक है, और ये उठा के हमने इसके अंदर रख देने। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, ये साइज़ वाले जो है इसको कर दें डिलीट, लेबल को डिलीट कर दिया। अब इस ग्रुप बॉक्स को उठा के हमने रख देना है इधर। अब देखते हैं, अब हम इसको रन करके देखते हैं, अब वो जो हमारे पास इशू आ रहा था वो नहीं आएगा इस तरह। ठीक है, अब ऑर्डर पे हमने डाइन इन करना है, फ्लेवर हमारे पास है वेजिटेबल पिज्ज़ा, साइज़ हमारे पास है मीडियम। अब देखें डाइन इन पे भी हमारे पास क्लिक हुआ हुआ है और रेडियो बटन मीडियम वाला भी ऑन है, तो अब ये क्या हो रहा है, हमने दो ग्रुप्स बना दिए। पहले वो क्या करता था कि हमारे पास जितनी पूरी हमारे पास फॉर्म है ना, पूरे फॉर्म में जितने भी रेडियो बटन्स हैं उनमें से एक सेलेक्ट करना, क्योंकि वो पूरे फॉर्म का उसने एक ही ग्रुप बनाया हुआ था। अब हमने इसमें दो ग्रुप्स बना दिए, हर एक ग्रुप में से एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट होना है। ठीक है, और एक और बात याद रखें, जब हमने रेडियो बटन्स वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस कम हो और हमने सिर्फ एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास होती है ऑर्डर के बाद फ्लेवर साइज़ के बाद हमने जो चीज़ सेलेक्ट करनी होती है वो होती है हमारे पास एक्स्ट्रास। एक्स्ट्रास मतलब आपने एक्स्ट्रा चीज़ डलानी है, स्पाइसी हो या फिर एक्स्ट्रा मशरूम्स डलवानी है, एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स डलवानी है, एक्स्ट्रा चीज़ हो, जो भी ऑप्शंस होते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि आप एक जब हम पिज़्ज़ा शॉप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो हम एक से ज़्यादा चीज़ें भी हम क्या कह देते हैं एक्स्ट्रा दे देते हैं, एक्स्ट्रा कह देते हैं कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ हो और एक्स्ट्रा स्पाइसी भी हो, या फिर हम कह देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ और एक्स्ट्रा मशरूम्स हो, दो चीज़ें कह दी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियो बॉक्स रेडियो बटन्स तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमेशा वन एंड ओनली वन ही होता है। ठीक है, इसी वजह से हमने क्या किया था कि यहाँ पर हमने ग्रुप्स बनाए थे कि इस ग्रुप में वन एंड ओनली वन सेलेक्ट हो, दूसरे साइज़ के ग्रुप है उसमें भी वन एंड ओनली वन सेलेक्ट हो। तो अब हम क्या कर देते हैं, उसके लिए चेक बॉक्स होते हैं, ताकि हम चेक बॉक्स क्या होते हैं, वो सारे भी सेलेक्ट हो सकते हैं, एक भी सेलेक्ट हो सकते हैं, जितने मर्जी उसमें सेलेक्ट करें। ठीक है, तो हम टूल बॉक्स में जाते हैं, यहाँ पर अब हम एक लेबल लगा लेते हैं, पहले लेबल हम लगा लेते हैं, लेबल का क्या नाम रखना है, लेबल का हमने नाम रखना है एक्स्ट्रास। अब नेक्स्ट जो हमारे पास, अब हमने यहाँ से क्या कर लेंगे, इसका नाम होता है, एक हमारे पास टूल होता है चेक बॉक्स के नाम से,
चेक लिखेंगे, यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा चेक, ठीक है, यहाँ पर करें, इसके ऊपर एक क्लिक रहने दें, कंट्रोल प्लस सी करें कॉपी हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, या जैसे भी कंट्रोल वी दो दफ़ा कर लें, जितने भी आपके पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पे अभी तीन ही लगा रहा हूँ सिर्फ। तो अब चेक बॉक्सेस के नाम चेंज कर लेते हैं हम, के चेक बॉक्सेस के यहाँ पर ए चेक बॉक्स वन पे हमने क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएँ टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है, इसका नाम चेंज कर लें एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है। दूसरा हमारे पास चेक बॉक्स है, उसका हमने क्या रखना है, एक्स्ट्रा मशरूम्स, ठीक है। थर्ड हमारे पास है एक्स्ट्रा चिकन, ठीक है, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लें और ये ज़रा स्टाइल ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये हमने क्या लगा दिया, एक्स्ट्रा के चेक बॉक्स लगा दिए, इसको रन करके देखते हैं, डाइन इन पर क्लिक कर दिया, या हमने होम डिलीवरी करनी है तो इस पर क्लिक कर दिया, फ्लेवर हमने सेलेक्ट कर लिया मशरूम्स, और साइज़ हमने मीडियम कर लिया, एक्स्ट्रा सेलेक्ट करने हैं चेक, एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा मशरूम्स, तीनों चीज़ें ही हमने एक्स्ट्रा लगा दी, ठीक है, तो ये तीनों पर क्लिक हो गया। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, क्लोज कर दें अब इसे। अब हम नेक्स्ट चीज़ हम लगाते हैं, तो अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ जाती है एक्स्ट्राज के बाद, हमने एक्स्ट्राज बता दिया, पिज्ज़े कितने बनाने, क्वांटिटी बतानी है, क्वांटिटी बतानी है तो पहले हम क्वांटिटी का लेबल लगा लेते हैं, इसका नाम चेंज करेंगे, यहाँ से आ जाए इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्वांटिटी, ठीक है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, न्यूमेरिक में ही होगी, 1, 2, 3, 4, 0 जो भी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप टूल बॉक्स में आ जाएं, यहाँ पे अब हमारे पास एक और टूल होता है न्यूमेरिक अपडाउन के नाम से, न्यूमेरिक अपडाउन, नम लिखा है तो ये नीचे हमारे पास ऑप्शन आ गया न्यूमेरिक अपडाउन, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें और यहाँ पर आके हमने क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है, यहाँ करा के जब हम ड्रॉ कर लेंगे तो अब इस पर एक ही दफ़ा क्लिक रहने दें। अब इस पर बाई डिफ़ॉल्ट क्या है पड़ी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, इसकी हम मिनिमम वैल्यू चेंज कर लेते हैं, ये देखें कि ये हमारे पास, अगर हम अभी इसको ऐसे ही रहने दें, हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। होम डिलीवरी, यहाँ से हमने फ्लेवर चेक कर लिया, स्मॉल, एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा मशरूम्स, क्वांटिटी हमने चेक कर ली। अब देखें ये जो है हमारे पास 0 से शुरू हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक भी जाते हैं, आगे 100 तक जा रहा होगा, ठीक है। तो हमने इसकी क्वांटिटी चेक कर लेते हैं, अब ये ना हो कि हमने कह दिया हुआ है कि मिनिमम क्वांटिटी हम इसकी चेंज कर लेते हैं कि 0 तो ना हो। अब कोई कस्टमर आया, उसने होम डिलीवरी करवा ली, जो भी है उसने सारी स्पेसिफिकेशंस बता दी, ऑर्डर कर लिया, क्वांटिटी उसने 0 लिख दी, अब ये तो मतलब नहीं होता ना कि ये चीज़ें डाल दें मगर ये पिज़्ज़ा बनाना नहीं है, एक भी नहीं बनाना, ऐसे तो नहीं होता ना। तो हम इसकी मिनिमम वाली चेंज कर देते हैं प्रॉपर्टी, इसके ऊपर एक न्यूमेरिक अपडाउन के ऊपर एक दफ़ा क्लिक रहने दें, ठीक है, एक दफ़ा क्लिक रहने दें, और यहाँ से अब इसकी प्रॉपर्टी होती है मिनिमम के नाम से, ठीक है। मिनिमम में अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे कर देते हैं 1, ठीक है, यहाँ पे 1 कर दिया, और ये मैक्सिमम की भी है ऊपर, इसके ऊपर हम कर देते हैं यहाँ पर 10 कर लेते हैं, चलो ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दें। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम पे खुद ब खुद ही 1 आ गया इधर फॉर्म पे हमारे, ठीक है 1 आ गया, अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। होम डिलीवरी, यहाँ से फजीता, मीडियम, एक्स्ट्रा मशरूम्स, अब यहाँ से 1 पहले लिखा हुआ है, एक ना एक तो लेना ही होगा ना, नहीं तो वो ऑर्डर क्यों कर रहा है, जो भी कस्टमर है, तो अगर 2 लेने हैं तो वो आगे करता जाएगा इस तरह, ठीक है। 10 तक हमने मैक्सिमम था, ये आगे नहीं जा रहा, ठीक है, तो ये हमारा ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने लास्ट हमारे पास काम है कि हमने इसका बटन दे देना, बटन लगा लेते हैं सिंपल, बटन के नाम से ही है। अब हमारा लेआउट तो कंप्लीट हो गया है फॉर्म का, अब हमने क्या करना है कि जो हमने कोडिंग करनी है उसके लिए हम इनको सबके नाम चेंज कर देते हैं। पहले पे आ जाएं डाइन इन पे, एक दफ़ा क्लिक करें रेडियो बटन जो है हमारा, ठीक है, और इसके इधर प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं, यहाँ से हमने सबसे ऊपर कर लेना है, और यहाँ पर ये A Z पे ही क्लिक करनी है, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इसका RDO बटन 1 लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर देते हैं नेम वाली में, ठीक है, इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं RDO डाइनिंग, ठीक है। इसी तरह दूसरे का, होम डिलीवरी वाले बटन का भी, दूसरे का भी, इसका हम लिख देते हैं RDO होम डिलीवरी, ठीक है। पार्सल का RDO पार्सल,
कॉम्बो बॉक्स का भी हमने चेंज कर लेना। अब हम लेबल्स का क्यों नहीं कर रहे, लेबल्स का तो कुछ नहीं करना होता, लेबल्स वैसे ही रहते हैं, जिन चीज़ों को हमने यूज़ करना होता है सिर्फ उन्हीं की नाम चेंज करेंगे। कॉम्बो बॉक्स एक दफ़ा क्लिक रहने दें, तो इसका हम कर लेते हैं CBX फ्लेवर का, CBX फ्लेवर के नाम से कर दें। फिर इधर नीचे स्मॉल वाले पे आ जाएं, इसका हम लिख देते हैं रेडियो स्मॉल, आडियो स्मॉल। आडियो मीडियम लार्ज वाले पे क्लिक करेंगे, तो इसका भी हम आडियो लार्ज, ठीक है। एक्स्ट्रास का वैसे ही रहने, क्योंकि अवेलेबल है वैसे ही रहेगा। एक्स्ट्रा चीज का चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स के लिए हम यू कीवर्ड यूज करते हैं CHK एक्स्ट्रा चीज, ठीक है। दूसरा हमारे पास है CHK मशरूम्स, तीसरा हमारे पास है एक्स्ट्रा चिकन है CHK चिकन, ठीक हो गया। अब क्वांटिटी का हमारे पास न्यूमेरिक अप डाउन था, तो इसका न्यूमेरिक अप डाउन का ऐसे लेने देते हैं हमारे पास। वैसे अगर चेंज करना है न्यूमेरिक अप डाउन का तो चेंज कर सकते हैं आप, वैसे न्यूमेरिक एक ही यूज़ हो रहा है तो वैसे ही इसको रहने दें, क्योंकि हमने फॉर्म में और तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया, एक ही न्यूमेरिक अप डाउन है। ज़्यादा होते तो फिर हम कर लेते हैं, जैसे हमने जैसे ज़्यादा रेडियो बटन यूज़ किए थे तो उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए आडियो डाइन इन, आडियो होम डिलीवरी, आडियो पार्सल, इस वजह से हमने लिखा था। तो ये न्यूमेरिक अप डाउन तो एक ही है, इसको हम वैसे रख देते हैं, न्यूमेरिक अप डाउन ही से लिखा लेंगे। वो वन लिखा हुआ था वो बस मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब बटन पे आ जाए, बटन के हम चेंज कर लेते हैं बटन BTN ऑर्डर, ठीक है। अब ये सारे हमने क्या किया, इन सब के नाम चेंज कर दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जब हम अपना प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास, हम चाहते हैं ये डाइन इन या फिर कोई भी है ना, कोई भी इसमें से ऑप्शन ऑर्डर में से कोई भी पहले से एक दो एक सिलेक्टेड हो, ठीक है, स्मॉल सिलेक्टेड हो, यहाँ से अगर एक्स्ट्रा चीज़ सिलेक्टेड हो, ये वैसे एक्स्ट्रास तो सिलेक्टेड नहीं होने चाहिए, जो अगर एक्स्ट्रास तो जो कस्टमर होता है उसकी उसके बताने पर होता है, अगर वो चाहता है कि एक्स्ट्रास हो या ना हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर ये क्लियर ही रहनी चाहिए, नहीं सिलेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम करने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस करें, ठीक है, डाइन इन पे एक दफ़ा क्लिक करें, डाइन इन पे एक दफ़ा क्लिक रहने दें, और यहाँ से इसकी एक प्रॉपर्टी होती है चेक्ड के नाम से, ठीक है, चेक्ड पे आएंगे, चेक्ड पे ये देखिए ये फॉल्स हुई हुई है तो इसको कर दें ट्रू, ठीक है, इसको ट्रू कर दिया। आप देखें ये जो है ट्रू ही रहेगा डाइन इन, ठीक है, जब हम रन करेंगे तो तब इसे चेंज कर सकते हैं, वैसे जो होगा वैसे डाइन इन ही रहेगा, ठीक है। साइज है, साइज हमने किया स्मॉल, साइज पे एक दफ़ा क्लिक रहने दें, और इसकी भी चेक प्रॉपर्टी में आ जाए, यहाँ पर इसे क्या कर दें हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना ही आने दें, हाँ जी। तो अब नेक्स्ट जो हमने क्या करना है कि अब हमने ये डाइनिंग भी सिलेक्ट कर लिया, स्मॉल भी, ये बाई डिफॉल्ट सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, और क्वान्टिटी क्या होगी वो वन होगी बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने लेआउट बना लिया है पिज़्ज़ा शॉप का, तो अब ऑर्डर पे जब हम क्लिक करेंगे तो तब भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर पे अब हमने क्या करना है, अब इसका क्लिक लिस्ट बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, ऑर्डर पे, ऑर्डर के बटन पे डबल क्लिक कर दें, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा कोडिंग वाला, ठीक है। ये बना हुआ है प्राइवेट वॉइड BTN ऑर्डर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आर्गूमेंट्स ई, ठीक है। तो इसके अंदर ये इसके क्लिक लिस्टनर में है, BTN ऑर्डर के क्लिक लिस्टनर में, इसको बोलते हैं क्लिक लिस्टनर, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम आएंगे, पहली चीज़ अब हम इधर से डिज़ाइन वाली टैब में आए, डिज़ाइन वाले टैब में आ गए। अब जब हम ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो पीछे जो हमारे पास कोडिंग चल रही होगी वो क्या चल रही होगी कि ऑर्डर जो भी हमने सेलेक्ट किया है डाइन इन होम डिलीवरी पार्सल। अब सवाल ये उठता है कि डाइन इन होम डिलीवरी पार्सल, इसके लिए हमारे पास कोडिंग में क्या चीज़ होनी चाहिए, कोडिंग में ये कैसे स्टोर होगा, तो हम इसको कर देते हैं इंटीजर में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। इसको कैसे करना है, अब यहाँ पर आ जाएँ वापसी कोडिंग में, यहाँ पर आप लिखेंगे इफ़, पहले तो हम एक डिक्लेयर करवा देते हैं इंटीजर वेरिएबल इंट ऑर्डर, ठीक है, इंट ऑर्डर हमने डिक्लेयर करवा दिया एक, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इफ़ कंडीशन लगाएंगे आरडीओ डाइन इन, नीचे ऑप्शन आ जाते हैं वहाँ से क्लिक कर लें, खुद टाइप कर लें डाइन इन डॉट चेक्ड, नीचे ऑप्शन आ गया, ठीक है। डाइन इन अगर ये क्या है आरडीओ रेडियो बटन डाइन इन वाला चेक्ड है तो तब हमने क्या करना है, नीचे एक और ब्रैकेट्स बनाएं और यहां पर लिख देंगे हम ऑर्डर
ऑर्डर इज इक्वल टू वन, ठीक है, ऑर्डर इज इक्वल टू वन आ गया। अब एक और बना लें इसी तरह, अगर आरडीओ डाइन इन डॉट चेक नहीं है तो वो एल्स पे आ जाएगा, एल्स एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ पे हम क्या कर देते हैं, आरडीओ होम डिलीवरी डॉट चेक्ड, ठीक है, इसको हमने किया, यहां से जरा फॉर्म को हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास होम डिलीवरी वाला जो रेडियो बटन है वो चेक्ड है तो तब हम क्या देते थे, ऑर्डर इज इक्वल टू टू, ठीक है। तीसरा हमारे पास है, अगर इफ एल्स लास्ट वन ही हो जाता है, एल्स एल्स में हमने क्या कर डाल देना है, ऑर्डर इज इक्वल टू थ्री। अगर कोई भी चेक नहीं है तो थर्ड वन तो चेक होना ही चाहिए। अगर हमने देखें इफ आरडीओ डाइन इन डॉट चेक्ड है, रेडियो बटन जो चेक्ड है वो डाइन इन वाला चेक्ड है, तो ऑर्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ऑर्डर में वन सेव हो जाएगा। अगर होम डिलीवरी वाला रेडियो बटन चेक्ड है तो ऑर्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर वो तीसरे पे आ जाएगा, एल्स ऑर्डर इज इक्वल टू थ्री, मतलब थ्री पे हमने क्या किया हुआ है, थ्री हमने किसके वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, पार्सल को, ठीक है। अब फ्लेवर, ये जो हमने क्या लगा हुआ है, कम्बो बॉक्स लगाया था, इसका छोटा सा दो लाइनों में ही हो जाएगा। दूसरी चीज़, ऑर्डर हमने सेलेक्ट कर लिया, वन टू थ्री इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फ्लेवर, अब फ्लेवर को देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ से आप इसको एंटर करें, ठीक है। न्यू लाइन पे हमने क्या करना है, ऑर्डर स्ट्रिंग ऑर्डर, देखे ना ऑर्डर हमारे पास क्या है, पड़ा ऑर्डर फ्लेवर हमारे पास पे जीता, चिकन, जो भी चीज़ है हमारे पास, मुल्तान एक्सट्रीम या जैसे भी। स्ट्रिंग में हमने क्या चीज़ करा देनी है, फ्लेवर का एक हम बना लेते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, फ्लेवर का बना लिया। अब कम्बो बॉक्स में क्या है, पड़ा डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसमें से हमने इसकी इस तरह बनेगा, ये मैं टाइप करके फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फ्लेवर इज इक्वल टू फ्लेवर, फ्लेवर इज इक्वल टू सी बी एक्स फ्लेवर डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, अब ये देखें, अब हमने क्या किया, ऑर्डर वाला कर लिया। अब नीचे ये देखें, स्ट्रिंग की हमने क्या की, स्ट्रिंग का हमने एक फ्लेवर वेरिएबल बनाया फ्लेवर, ठीक है। फ्लेवर उसको हमने क्या वैल्यू दे दी, सी बी एक्स फ्लेवर डॉट सिलेक्टेड आइटम। कम्बो बॉक्स जो है फ्लेवर वाला, उसमें से जो भी वैल्यू सिलेक्टेड है, जो भी आइटम सिलेक्टेड है, जो भी आइटम सिलेक्ट हुआ है, उसको क्या करना है, हमने स्ट्रिंग में चेंज करना है। अब कम्बो बॉक्स किस टाइप का होता है, कम्बो बॉक्स हमारे पास टाइप होती है, उसकी ऑब्जेक्ट होती है। जैसे यहाँ पर हमने इंट ऑर्डर लिखा था ना, वैसे यहाँ पर इंट की जगह उसकी टाइप क्या है, बड़ी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कम्बो बॉक्स में जो भी आइटम सिलेक्टेड है उसको हमने क्या कर देना है, स्ट्रिंग में चेंज कर देना है और उसको फ्लेवर में सेव कर देने, क्योंकि फ्लेवर जो है वो हमारे पास पहले ही ऑलरेडी स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो जो भी आइटम सिलेक्टेड हुआ उसको स्ट्रिंग में चेंज किया और उसको किस में सेव कर दिया, फ्लेवर में, ठीक है। तो फ्लेवर में हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास इधर आ जाए, अब डिज़ाइन वर्ल्ड टाइम में हमारे पास क्या है, एक्स्ट्राज है, नेक्स्ट साइज है, सॉरी साइज है हमारे पास स्मॉल मीडियम लार्ज, इसके लिए भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऑर्डर के लिए किया था, ठीक है। ऑर्डर के लिए किया था जैसे हमने इंट, यहाँ पे हम इंट ऑर्डर लिया था, अब साइज़ के बारे है तो इंट साइज़ ले लें, ठीक है, इंट साइज़ का वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इफ आरडीओ स्मॉल, यहाँ से नीचे से सेलेक्ट करें, आरडीओ स्मॉल डॉट चेक्ड, तो तब हमारे पास क्या होना चाहिए, साइज इज इक्वल टू वन, ठीक है। एल्स इफ आरडीओ मीडियम डॉट चेक, साइज इज इक्वल टू टू, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, else
साइज इज इक्वल टू 3। ठीक है, तीनों में से नहीं है तो लार्ज तो होगा ही होगा, दोनों में से स्मॉल भी नहीं है लार्ज भी नहीं है, तो एल्स पे आ जाएगा, थर्ड वन पे वहाँ पे आ जाएगा साइज इक्वल टू 3। ठीक है, तो साइज़ वाले भी हमारे पास इसी तरह काम हो गया। कर लेना, अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ क्वांटिटी का। क्वांटिटी का जो हमने न्यूमेरिक अप डाउन लगाया था उसको हमने कैसे यहाँ पर कोडिंग में यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाए हम यहाँ पर इंट। अब न्यूमेरिक अप डाउन में एक बात आपको बता दूँ कि न्यूमेरिक अप डाउन जो है इसमें वैल्यूज़ किस में आ रही हैं, 1, 2, 3, मतलब न्यूमेरिक में ही आ रही हैं, इंट में आ रही हैं, इंटीजर टाइप में आ रही हैं। ठीक है, तो इसकी सिर्फ एक लाइन ही होगी, इंट का हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, क्वांटिटी इज इक्वल टू कन्वर्ट टू इंट, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करें और यहाँ इंट का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया क्वांटिटी। क्वांटिटी हमने क्या चीज़ सेव कराई है, कन्वर्ट टू इंट 32 न्यूमेरिक अप डाउन में, न्यूमेरिक अप डाउन की अब जो भी वैल्यू है 1 है 2 है 3 है, जो भी न्यूमेरिक अप डाउन की वैल्यू है उसको हमने क्या करना है, इंट में कन्वर्ट कर देना है और उसको हमने किस में सेव करवा देना है, क्वांटिटी के वेरिएबल में बस। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बस हमारे ये एंड हो गया, तो हम इसको मैसेज बॉक्स शो करवा देते हैं। ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज बॉक्स डॉट शो लगाया है हमने, और अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अब एक तरीका है, पहले हमने क्या किया था देखें, चेक करवा देता हूँ, इसको हमने लिखना होता है इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, ऑर्डर डन लिख देते हैं अभी। ठीक है, इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, होम डिलीवरी फेजीता मश मीडियम एक्स्ट्रा मशरूम्स एक्स्ट्रा चीज़, यहाँ से हमने क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली 2, 3 कर ली। ठीक है, ऑर्डर पे जब हमने क्लिक किया तो मैसेज बॉक्स ये आया ऑर्डर डन, क्योंकि हमने मैसेज बॉक्स में क्या लिखा था, ऑर्डर डन ही लिखा था, तो इसको क्लोज करें। अब यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे इंट में क्वांटिटी सेव कराई है, फ्लेवर साइज ऑर्डर टाइप, वो सारे अब हमने यहीं पर शो करवाने हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे पास क्या थी, ऑर्डर टाइप। ठीक है, ऑर्डर टाइप हमने लिखा इन्वर्टेड कॉमास में, तो इसके लिए अब यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस, ऑर्डर क्या था, ऑर्डर। ठीक है, फिर एक दफ़ा प्लस करें, प्लस करेंगे और यहाँ पर फिर अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर एक दफ़ा इन्वर्टेड कॉमास में। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी, यहाँ पर हमने फ्लेवर का क्या था, फ्लेवर और साइज था। ठीक है, फ्लेवर फ्लेवर, तो यहाँ से प्लस 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 दो दफ़ा ही कर लें, तो इसके साथ अब हमने क्या लगाना है, फ्लेवर। ठीक है, फिर ये, और इसके अंदर हमने क्या लिख देना है, साइज। ठीक है, तो अब इसके अंदर फिर ये प्लस प्लस और एस आई जेड ई साइज। ठीक है, तो साइज़ के बाद हमारे पास क्या है, क्वांटिटी का, क्वांटिटी का हमने बनाया क्यू यू ए क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी में हमने क्या करना है जी, क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो है हमारा ओके हो गया है। ठीक है, इतना सही। अब ये मैसेज बॉक्स में क्या हमारे पास होगा, ऑर्डर टाइप लिखा होगा, ऑर्डर में जो भी वैल्यू है, फ्लेवर लिखा होगा, फ्लेवर की जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर कोडिंग में बनेगी, साइज लिखा हुआ आएगा, फिर साइज की जो भी वैल्यू है, क्वांटिटी लिखी हुई है लिखा हुआ आएगा और क्वांटिटी की फिर जो भी वैल्यू है। ठीक है, इसको स्टार्ट करें, तो ये जो है हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर ये प्लस नहीं आता। ठीक है, ऑर्डर का हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है स्पेलिंग। ठीक है, तो ये अब रन हो गया। अब देखें, हमने सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से पार्सल सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्लेवर हमने सेलेक्ट कर लिया मशरूम्स मीडियम, एक्स्ट्राज हमने सेलेक्ट कर लिए 2, और यहाँ पे कितने पीस है, क्वांटिटी हमने सेलेक्ट कर लेते हैं 6। ठीक है, ऑर्डर पे जब क्लिक करेंगे आप हमारे पास ये सारे आएंगे। ठीक है, ऑर्डर टाइप 3 3 है ना, देखें हमने पार्सल सेलेक्ट किया था
तो फ्लेवर, अब हमने फ्लेवर हमने क्या सेलेक्ट किया था, मशरूम्स का सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मशरूम्स लिखा हुआ है। आगे हमने मशरूम्स के बाद लिखा हुआ है साइज, साइज क्या है, टू, टू मतलब मीडियम। क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी हमने कितने सेलेक्ट किया, देखें यहाँ पे सिक्स सेलेक्ट की हुई है, तो सिक्स ही आ गई है मैसेज बॉक्स में भी, ठीक है, ओके कर दी, ठीक है। और इसको हम क्या कर देते हैं, अब क्लोज कर देते हैं। अब एक चीज़ और आपको लास्ट थिंग है ये बता देता हूँ कि आपका जो ये जो हमारे पास फॉर्म बना हुआ है, इसका यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ रहा होगा फॉर्म वन, तो ये नहीं लिखा हुआ रहा, ये मैंने डिलीट हो गया था, मैंने डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पे फॉर्म पे एक दफ़ा क्लिक करें और इसके यहाँ पे आ जाएं टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, अगर आपने भी चेंज करना है तो। आपका वैसे फॉर्म वन लिखा हुआ रहेगा, मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ पिज़्ज़ा शॉप, ठीक है, पिज़्ज़ा शॉप, ठीक है, पिज़्ज़ा शॉप लिख दिया, अब यहाँ पर पिज़्ज़ा शॉप लिखा हुआ आ रहा होगा बस, ठीक है। चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, या तो वो एक दफ़ा ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, ठीक है। चेक बॉक्सेस के लिए बेहतर अप्रोच होती है, वो हम क्या करते हैं, इसकी एक टाइप बना लेते हैं बूल, बूल टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और उसके अंदर इनकी वैल्यू स्टोर करवाते हैं, ठीक है। अब बूल टाइप का हमने देखें, मैंने आपको जैसे आपको बताया चेक बॉक्सेस के या तो वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, और बाय डिफॉल्ट क्या होती है, चेक बॉक्स की वैल्यू फॉल्स ही होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कर देते हैं बूल, क्या क्या चीज़ें हमने बनाई हुई हैं, चीज़, मशरूम्स, चिकन, ठीक है, बूल एक्स्ट्रा चीज, बूल एक्स्ट्रा चिकन, ठीक है, बूल एक्स्ट्रा मशरूम्स, ठीक है, यही तीन थी, चिकन, चीज, मशरूम, ठीक हो गया। अब ये जैसे हमने किया था रेडियो बटन्स का, जैसे किया था रेडियो बटन्स का हमने जैसे किया था, इसको भी वैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको कर दिखा देता हूँ। एक दूसरा तरीका है छोटा सिंपल सा, वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने रेडियो बटन्स का क्या किया था, इफ़ कंडीशन लगाई थी, इफ़ एल्स कंडीशन, तो इफ़ लगाएं और यहाँ पर हमने क्या कर देना है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हमने चेक करना है कि जैसे उसका किया था सी एच के डॉट चिकन डॉट चेक्ड, ठीक है, ये अगर हमने लगाया है, यहाँ पर सी लगा दें, ठीक है, तो एक्स्ट्रा चिकन जो है, एक्स्ट्रा चिकन, पहले मैंने इसका कर लिया, पहले एक्स्ट्रा चीज़ का ही आपको करके दिखा देता, बहरहाल चलो एक्स्ट्रा चिकन का हो गया, दूसरा एक्स्ट्रा चीज़ का भी कर लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा चिकन इज इक्वल टू एक्स्ट्रा चिकन, जो बूल टाइप जो हमने बनाई है, एक्स्ट्रा चिकन इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। बूल टाइप में क्या होता है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स होता है, तो इसी वजह से हमने इसको क्या कर दिया, अगर सी एच के चिकन वाला जो चेक बॉक्स है, सी एच के चिकन, वो अगर चेक्ड है तो एक्स्ट्रा चिकन में क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा चिकन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हमारे पास तरीका है, दूसरा हमारे पास सिंपल सा तरीका है कि इसको कट करें, अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं बाकी दो के भी वैसे बना लें, लेकिन ये चेक बॉक्स इसके लिए अच्छी अप्रोच नहीं समझी जाती, तो हम जो है दूसरा तरीका करते हैं, इसी के आगे लिख दें इज इक्वल टू सी एच के डॉट एक्स्ट्रा चीज डॉट चेक, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ का जो हमने बूल वेरिएबल बनाया है, बूल वेरिएबल बनाया एक्स्ट्रा चीज़, उसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी, एक्स्ट्रा चीज़ अगर चेक्ड है तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ की जो भी वैल्यू है ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, ठीक है। अगर ये चेक्ड है तो ट्रू होगी इसकी वैल्यू, वो किस में स्टोर हो जाएगी, एक्स्ट्रा चीज़ में। तो इसी तरह एक्स्ट्रा चिकन का भी बना लेते हैं, इज इक्वल टू सी एच के एक्स्ट्रा चिकन डॉट चेक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास बना लेते हैं सी एच के एक्स्ट्रा चिकन मशरूम्स, चेकबॉक्स मशरूम्स डॉट चेक, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास सिंपल सा ये हमने चेक बॉक्सेस का भी कर लिया, तीन लाइंस, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बल्कि हाँ जी, तो इसे हमने मैसेज बॉक्स में शो करते हैं ना, मैसेज बॉक्स में भी शो करना है, तो यहाँ पे आ जाएं क्वांटिटी के बाद एक दफ़ा फिर प्लस टाइप करें, हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा चीज़ का लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक और दफ़ा प्लस कर दें, दोनों प्लस के सेंटर में हमने दो इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, इसके अंदर लिख दें एक्स्ट्रा चिकन
चीज़, ये जो इन्वर्टेड कोमास में जो भी हमने लिखा हुआ ना, ये ऑरेंज ऑरेंज कलर में, ठीक है, रेड कलर में थोड़ा सा है, ये वैसे ही लिखा हुआ है, और ये जो दूसरे व्हाइट कलर में है ना इस लाइन में, वो वैल्यूज़ है, वेरिएबल्स है, ऑर्डर का वेरिएबल जो भी वैल्यू होगी उसकी वो शो होगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज़ का हमारे पास क्या है पड़ा, सी एच के एक्स्ट्रा चीज़ ही है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है। फिर प्लस प्लस करें और यहाँ पर हमने वो कर दें, और यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा चिकन, एक्स्ट्रा चिकन, ठीक है। फिर एक दफ़ा प्लस टाइप करें और यहाँ पर हमने क्या लिख देना है, एक्स्ट्रा चिकन, ठीक है, एक्स्ट्रा मशरूम्स, और इसको भी आगे ये प्लस रहने दें, और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा मशरूम्स, ठीक है, ये ज़रा गलती थी। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, स्टार्ट करें, होम डिलीवरी सेलेक्ट किया है, मशरूम सेलेक्ट किया है, मीडियम, एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा चिकन, ए चीज़ वाला ये याद रखना, चीज़ वाला हमने खाली छोड़ा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी, ठीक है। ऑर्डर चीज़ वाला हमने फॉल्स छोड़ा हुआ है, चीज़ वाले को ऑर्डर टाइप टू है, फ्लेवर मशरूम्स, ठीक है, साइज़ 2, क्वांटिटी 2, एक्स्ट्रा चीज़ फॉल्स, चीज़ वाला फॉल्स आ रहा है, और एक्स्ट्रा चिकन जो है वो च्यू आ रहा है, एक्स्ट्रा मशरूम्स भी च्यू आ रहा है। अब इसको एक चीज़ और कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा कर लेते हैं, कि ऑर्डर टाइप के आगे हम कॉलन लगा लेते हैं, ठीक है, और थोड़े से स्पेस दे देते हैं, ठीक है, फ्लेवर से पहले थोड़े से स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पर हम कॉलन लगा लेते हैं, ठीक है, साइज से पहले भी थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पर हम कॉलन लगा लेते हैं, ठीक है, क्वांटिटी से पहले भी स्पेस दे देते हैं, और इसको यहाँ पर हम कॉलन लगा के दे देते हैं, और इसके पहले भी हम स्पेस दे देते हैं, और इधर भी हम क्या करते हैं, कॉलन लगा लेते हैं, ये ज़रा जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वो ज़रा अच्छा दिखेगा, पढ़ा जाएगा, ठीक है। इधर क्या कर दें, कॉलन लगा दें, एक्स्ट्रा मशरूम्स, ठीक है। तो ये जो है हमने कर लिया, अब इसको स्टार्ट करते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे, हमने ये मशरूम्स कर लिया और इसका एक्स्ट्रा चीज़ चिकन वाले को छोड़ दिया, उसकी वैल्यू मैसेज बॉक्स में थोड़ी सी स्पेस आ रही है तो पढ़ा जा रहा है, ऑर्डर टाइप 1 है, फ्लेवर मशरूम्स है, साइज 1 है, क्वांटिटी 4 है, एक्स्ट्रा चीज़ 2 है, एक्स्ट्रा चिकन फॉल्स है, एक्स्ट्रा मशरूम्स 2 है, ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव फन।